यो व्हाट्सअप गाइस, तो आ गया आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वेस्टर्न स्टाइल की एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज का गेम प्ले दोबारा से खतरनाक हो चुका है, क्योंकि पिछले वाला वीडियो भी मैंने खतरनाक बनाया था और आपने अच्छा सा रिस्पांस दिया था, तो मैंने दोबारा से एक और खतरनाक बनाने की कोशिश करी, क्योंकि इस वाले वीडियो पर मेरे को डबल खतरनाक रिस्पॉन्स चाहिए। तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं दोबारा से उसी खतरनाक स्टंट के साथ वापस आ चुका हूँ, क्योंकि हमारे वेस्टलैंड में होने वाली है एक ट्रेन रॉबरी और मुझे उसको रोकना है। क्या मैं रोक पाऊँगा? और उसके लिए मेरे पास अच्छी सी गन भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं गन वगैरह क्राफ्ट करने की सामग्री को इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इतने में तो जो रॉबरी है वो हो चुकी होगी, और बदले में जो हमारा शेरिफ है ना, वो सिर्फ बैठ के हमें हुक्म ही देगा, और इस बार पक्का वो मेरे को जेल में डाल देगा। तो मेरे को इससे बच के रहना पड़ेगा, और यहाँ पे जो मेरे पास गन है उसी के साथ मैं चल पड़ता हूँ उनको रोकने के लिए, और हीलिंग तो मेरे पास होती ही नहीं है, तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि हीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा कम है और हम इसको प्ले कर रहे हैं। तो बचा लो, हे गॉड बचा लेना मुझको। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नए ड्रेस अनलॉक हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो भालू वाला ड्रेस होता है ना, विंटर सूट कुछ उस टाइप का है, तो मेरे को लगता है कि अच्छा होगा, तो मैं उसको पहन लेता हूँ। पहनने के बाद मैं कुछ अच्छा ही दिख रहा हूँ, बस इसका जो ऊपर का हेड है ना, वो अब तक मेरा अनलॉक नहीं हुआ, तो उसको भी अनलॉक करना पड़ेगा ट्यूब से। तो ट्यूब खरीदने के लिए हमें चाहिए होंगे 200 कॉइन, जो कि मैंने इकट्ठा करे हैं थोड़े बहुत, और आई होप सो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर कुछ हीलिंग वगैरह कलेक्ट करने के बाद आप सोच रहे होंगे हलवा है, हम जाके बस ट्रेन रोबरी को रोकने ही तो वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेन रोबरी को रोकने के लिए हमें चाहिए हीलिंग और कुछ ऐसे चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हम एक पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं, जो कि मेरे को काफ़ी दिनों बाद मेरे को मिला, हाँ काफ़ी दिनों बाद मिला, तो उससे भी मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से मैं अपने खाना वाना खा लेता हूँ, क्योंकि भूख काफ़ी तेज लग चुकी है हमारे इस कैरेक्टर को। फिर मेरे को पता चलता है लूट अच्छी है, तो हमें कुछ हीलिंग वगैरह भी लेके जानी चाहिए, मतलब ये मीडियम लेवल की हीलिंग है, तो इससे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो यू फाइनली मैं आ चुका था एस ग्रुप पे, जहाँ पे मेरा फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा था, और यहाँ पे एक स्पिरिट का बंदा आया था जिसको मैंने ठिला दिया, और ठिलाने के बाद वो कहता है अरे भैया जी हमको माफ़ कर दो। मैंने कहा माफ़ कर दिया, और ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगरी दोस्त, मेरे जीन जान से प्यारे, अरे आजा मेरे प्यारे मेरे लाल दुलारे। अरे भैया जी ये तो गुस्सा है, ये थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि मैं इससे काफ़ी दिनों बाद मिलने आया ना, और वैसे भी ये स्पिरिट में रहता है और हम स्पिरिट में जाते नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है। तो ये मेरे से मिलने के लिए एस ग्रो पे आया, तो मैंने इससे हाय हेलो करने की कोशिश करी, लेकिन ये शांत हो गया थोड़ी देर बाद, देखो कितना ज़्यादा शांत है। मैं इसके साथ एक स्क्रीन शॉट भी ले सकता हूँ, और ये मेरे को कुछ नहीं कहेगा, ये देखो अरे हेलो गाइस मैं ही हूँ, और देख रहे हो ये कुछ नहीं कह रहा, मतलब हलवा हो गया बिल्कुल हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए इससे मैं बातचीत करके यहाँ से मैं निकलता हूँ, और निकलने के बाद मेरे को है ना विंडगो को याद आ जाती है, मैंने इससे मिला यार विंडगो नहीं आया, तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो क्यों ना विंडगो से हम लड़े, और लड़ने के लिए तो उसको बुलाना चाहिए ना, और यहाँ पे मैंने इसको बुला लिया, और ये मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया। हेलो ब्रदर, तुम जानते नहीं हो क्या, बांगल बिल्डर से भिला देंगे एक बार तो तुम्हारी जब पीछे। अरे तूने लंगोट पहनी भी है नहीं पहनी है? अरे एक बार आया ना आप फोकस, इसके पिछवाड़े पे फोकस करो, हाँ देखो अरे इसने पिछवाड़े में कुछ पहना ही नहीं है। अरे बदतमीज लंगोटिया यार, तू इतना ज़्यादा मेरा लंगोटिया हुआ कि तू लंगोटी पहन के आना भूल गया। अरे बदतमीज, यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे डायपर पहनते हैं, कम से कम तू डायपर तो पहन लेता, बिल्कुल लंगोट तक छोड़ाया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं चलता हूँ अब फटाफट से, मैं पहुँच जाता हूँ अपने दोस्त के पास, और सॉरी ब्रो मैं काफ़ी ज़्यादा देर हो गया, थोड़ा ही जिगरी दोस्त के चक्कर में। अरे बदतमीज, अरे बदतमीज, मेरे मुंह के सामने इसने देख रहे हो दो जनों को मार दिया, और इसकी सजा इनको मिलेगी बराबर मिलेगी। और आ जाओ आ जाओ, तुम में है दम तो मेरे को मार के दिखा दो, अगर तुमने मेरे को मार दिया ना तो आई डू इट, मैं दोबारा कभी भी नहीं आऊँगा यहाँ पे ऐस ग्रो पे। हाँ ये मेरी जवान है, मैं अपनी जवान देता हूँ आप लोगों को। अरे आप लोग गधे गैंगस्टर, यहाँ से निकल पहले फुर्सत में। तो मैं ये जो बंदा है, ये जो लास्ट बचा हुआ था, तो इसको मैं दोबारा से भेज देता हूँ। अरे यार मैं तेरे से माफ़ी चाहता हूँ, और मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ अपने उस जगह पे जहाँ पे जाने के लिए मैं तरस रहा था, और मैं आ चुका हूँ ज़बरदस्त एक्शन करने के लिए। तो दिल थाम के बैठना, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर नोट है ब्रेक, क्योंकि जो इंजीनियर है इन्होंने उनको पकड़ रखा है, और मेरी बसंती भी होगी इस गाड़ी के अंदर, और मेरी इतनी बसंती हो गई है ना कि क्या ही करें, हर एक का नाम बसंती ही रखना पड़ता है, क्योंकि नया नाम दिमाग में आता ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो डब्बा नंबर 1 था उसको मैंने खाली कर दिया, और कुछ हीलिंग वगैरह मैं लपेट लेता हूँ इससे पहले कोई ना कोई आके मेरे को डिस्टर्ब करे। और जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर ठग भैया जी मेरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम में होता है दम, और हम इसको दिखा देते हैं। और फाइनल जो डब्बा नंबर 2 होता है, जिसके अंदर शूटर और ठग होते हैं,
और कुछ ऐसे गैंगस्टर जिनसे मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे लेवल का ही आर्मर पहन के आ जाते हैं और इस आर्मर की वजह से इतनी सारी गोलियां इन पे वेस्ट करनी पड़ती हैं जितनी मेरे पास होती नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से मैं दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरे को लगता है कि अगला डब्बा खाली होगा मैं तो ऊपर से टाप के जाएगा, लेकिन इन बदतमीजों ने इस बार सारे के सारे डब्बे नीचे से खोल दिए ताकि ये मेरे को आराम से हलवा समझ के अच्छे से खा सके। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अब धीरे धीरे जाएंगे। किसी ने देखा तो नहीं, और यहाँ पे इस डब्बे, अरे यार गेट तो बंद था, इसने देख कैसे लिया? तुम्हारी भैंस की टांग, पापा से भिड़ने से पहले एक परमिट लेके आओ। और यहाँ से मैं जैसे ही जा रहा होता हूँ मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ा छुप के देखूँगा, लेकिन ये बदतमीज़ मेरी आहटें इतनी जल्दी सुन लेता है ना क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से छुप जाता हूँ और इस बदतमीज ने मेरे को देख लिया तो छुपने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो यहाँ से मैं दोबारा से निकलता हूँ। अरे पंडित आदमी, अरे ये पंडित होना चाहिए ना, बैंडित गलत है। अरे पंडित आदमी, शादी करवाने की उम्र में तू अपने पापा से भिड़ रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या मैं जिम जाने लग गया हूँ? हाँ जिम, ओ शिट, इसने तो मेरे इज्जत लेने की कोशिश करी। अरे तूने मेरे कपड़े फाड़ दिए बदतमीज लौंडे। अब फटाफट से इसने मेरे कपड़े फाड़े थे तो मैं सोचा कि इसकी ले लूँ, तो इसके पास से मेरे को सिर्फ एक पैंट मिलता है वो ब्लैक कलर का। और फाइनली मैं पहुँच चुका था उस बंदे के पास जो कि सारी मामले को अंजाम दे रहा है। मतलब शर्म नहीं आ रही, मतलब ये छोटे से बुढ़े अंकल को परेशान कर रहा है तुम्हें क्या? इसका नाम है मैन हाईजैकर। अरे बदतमीज हाईजैकर, तेरा नाम गलती से ही रखा दिया हुआ क्योंकि तेरे अंदर हाईजैक नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं अंकल, आप ट्रेन चलाओ, बाकी सब हम चलाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे सिटी में आए उसके लिए धन्यवाद, आप इनसे कह के सब्सक्राइब का बटन दबवा दो ना। तो देखो ये अंकल कह रहे हैं, बुढ़े अंकल, सब्सक्राइब कर दो। हाँ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ट्रेन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगते ही हम पहुँच जाते हैं अपने शहर सिल्वेस्टर पे। तो फाइनली सिल्वेस्टर पे पहुँचने के बाद मैं गोल्ड वाले अंकल के पास आता हूँ क्योंकि ये आजकल मेरे को ट्रेड करने नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों ही इतने ज़्यादा गुस्से हो चुके हैं क्योंकि ये मेरे को ट्रेड करने ही नहीं देते। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, क्या ही चीज़ हो रही है, मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो गोल्ड वाले अंकल हैं मेरे को ट्रेड करने नहीं दे रहे तो क्या हुआ, हम टास्क को कंप्लीट करेंगे, थोड़े बहुत कॉइन को इकट्ठा करेंगे और फाइनली हम मौज करेंगे। तो फाइनली हमने इस टास्क को कर दिया कंप्लीट और मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, सी यू अगेन लेटर, बाय बाय। और सीजन भी कंप्लीट कुछ दिनों में जाने वाला है तो सीजन को भी करते हैं कंप्लीट। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नारा।